गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। सो फाइनली हम आ गए हैं पैंगोंग में। ये है हमारे रिसॉर्ट्स जो हमने बुक किए थे, 1, 2, 3। ये है लीजर रिसॉर्ट पैंगोंग, और यहाँ पे आगे है ये पैंगोंग लेक का व्यू। अभी फ़िलहाल हमने सब, मतलब वी आर ऑलरेडी, बैग सबके माउंट हो गए हैं अच्छे से, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी हम निकलेंगे 10 मिनट में, जाते जाते ऑन द वे 1 घंटे के लिए पैंगोंग का व्यू एंजॉय करेंगे। हमारा टारगेट है हानले पहुँचने का 2 से 3 बजे तक, क्योंकि भी अगर शाम को निकलते हैं तो वाटर क्रॉसिंग लगेंगे हमको बहुत, और दोपहर में धूप बहुत होने के कारण पानी बहुत स्लो होगा। सो दैट कैन बी रिस्की। सो टू अवॉइड दैट वी आर प्लानिंग टू रीच हानले 2 से 3 बजे तक। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर रेडी एंड हम निकल रहे हैं पैंगोंग लेक व्यू के लिए। तो अभी जाते हैं लेक व्यू पे और वहाँ मिलते हैं। फाइनली वी आर एट द आइकॉनिक पैंगोंग लेक। एज मतलब जैसे पिक्चर में दिखाया था वैसे ही इसका पानी पूरा क्लियर है, बहुत ही साफ लेक है। और ये व्यू आप देखिए, अब गोप्रो इतना जस्टिस नहीं करेगा ये व्यू को जितना कि मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ। लेक एंजॉय करके अभी हम निकल रहे हैं हानले। हानले यहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर। बीच में वाटर क्रॉसिंग भरपूर मिलेंगे, सॉरी बहुत मिलेंगे। अभी ये यहाँ से 170 तो 60 किलोमीटर के बाद हम एक ब्रेक, ऐसे 3 ब्रेक में हम ये पार करेंगे। फिलहाल हम है अभी लुकुंग गांव में। यहाँ पे ठंडी हवाएं बहुत ही है और ठंडी भी बहुत बढ़ गई है। कल शाम टांगते से अगर आप छोड़ो तो ठंड बढ़ गई है बहुत। क्लाइमेट भी बहुत ख़राब है, शायद बारिश या स्नो भी हो सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं बहुत है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है। अभी यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर है हानले, तो हमको पहुँचने में और 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अभी 12:30 बजे, हमारा प्लान है कि 2 से 2:30 बजे तक पहुँचे हम हानले में और रेस्ट लें। लेट्स सी। रिजांगला पास, इसके बारे में किसको खबर होगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। ये रिजांगला की वॉर लड़ी गई थी 1962 में, जब इंडिया और चाइना के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का ये हुआ था। उसके बाद चाइना ने चुपके से इंडिया पे अटैक कर दिया था, उन्होंने हमारे बॉर्डर में घुस गए थे। ये चुसुल गाँव है जो हमने दिखाया लास्ट टाइम जब हम रुके थे, वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर दिया था। तो यहाँ पे तेरा कमाओ की एक कंपनी है, उनको यहाँ पे भेजा गया था मेजर शैतान सिंह, वो इस कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो उनके अंदर उनकी जो पूरी कंपनी थी, उन्होंने इस पूरी जगह को, मतलब जो कैप्चर किया था चाइना ने,
वापस रिकैप्चर करके 114 लोग शहीद हुए थे और उनके याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। वो यहाँ पे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जहाँ पे पूरी स्टोरी नरेट होती है कि युद्ध कैसे लड़ा गया, कैसे कुछ हुआ एंड कैसे हमारे फौजियों ने ये रिकैप्चर कर लिया। तो वो देखे ना, एक इमोशनल, बहुत ही आप इमोशनल हो जाते हो। सो दिस नीड्स टू बी नोन टू एवरीवन। तो ये पूरा है, ये एक सैंड मॉडल है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ये इसका ही मॉडल है। अभी ये जो रेड में बोर्ड मतलब बोर्ड है वो चाइना के अंडर है, जो नेवी ब्लू है ये वाले वो इंडिया के अंडर है। ब्लू वाले आर आई गेस रिवर्स एंड नॉलेज एंड ग्रीन आर पासिस, लाइक हमने किया खारदुंगला रेजांगला, अभी हम आगे कर रहे हैं उमलिंगला। मैं आपको एक दिखा दूँ, आई डोंट नो गोप्रो जज मतलब जस्टिस करेगा नहीं। तो यहाँ पे एक दो हट दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट इज इंडिया राइट इज चाइना। और यहाँ पे अगर आप पहाड़ देख रहे हो, ये जो ये क्रीम कलर वाला है ये इंडिया के अंडर है और इसके पीछे एक ब्राउन कलर है वो चाइना के अंडर है। सो चाइना से हम सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूर है। एक एक बार मोबाइल में टाइम भी चाइना का ही पकड़ रहा है। सो वी आर वेरी क्लोज टू बॉर्डर। सो दिस इज़ रेजांग वॉर मेमोरियल और ये पूरी नो मैन लैंड है। इसके लिए बॉर्डर शेयर करते हुए भी यहाँ पर आर्मिनेशंस या आर्टिलरीज या कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे नज़दीक ही चुसूल है जहाँ पे इनका पूरा कैंप है। अगर कुछ भी बाई चांस, हालांकि दो घंटे फिर भी अगर कुछ होता है तो वो जल्दी से यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। और ये अपने जवान जो कि है 13 कमाओ कंपनी से, वो ही तो महान है, आरंभ है प्रचंड और दस्तकों के तुम जंग की गाड़ी के तुम दहाड़ दो, मौत अंत तो नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके तुम ले 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 ले। Oh my god. संपले वरत बाय, हो गया उनको देते, ये आप दोनों शेयर कर दो, बाय। हाँ ऐसा है रोड ना, ऐसा ही है, ओके ठीक है, चलो बाय। सो कल रात हम हंडले पहुँचे तकरीबन 8 बजे, मेरी बैटरी डेड थी पूरी और यहाँ पे करंट्स नहीं थे और मेमोरी कार्ड भी फुल था, सो बैकअप नहीं ले पाए, इसके लिए कल रात को ब्लॉग नहीं किया। पैंगोंग से हंडले तक का रास्ता 70% पूरा रास्ता ख़राब है और जो 30% का रोड है वो बहुत अच्छा है। वो जो एक ब्रिज लगता है वो पार करने के बाद रास्ता बहुत अच्छा है और आपको व्यू बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। अभी बजे है सुबह के 6:30, हम निकल रहे हैं उमलिंगला पास। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एट द हाइट ऑफ 19,400 फीट हाईएस्ट अल्टीट्यूड। एंड आज है 15 अगस्त स्वतंत्र दिन और
इट्स लाइक ये इंडिपेंडेंस डे हमेशा याद रहेगा क्योंकि हम ये अल्टीट्यूड पर रहेंगे और वर्ल्ड्स टॉप हाईएस्ट माउंटेन बॉर्डर जो कि अपने इंडिया में है चाइना बॉर्डर पे। सो फीलिंग प्राउड एंड एक्साइटेड। अभी हम निकल रहे हैं। अभी हमारा प्लान एक्चुअली हमारे 3 दिन स्किप हो गए हैं क्योंकि मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम था, प्रसाद जी गाड़ी का प्रॉब्लम था और एक गाड़ी का प्रॉब्लम था, तो हम ऑलरेडी 3 डेज डिले चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आज हंडले करेंगे और वापस मनाली के रास्ते को निकलेंगे। बीच में कहाँ भी स्टे मिलेगा वहाँ पर हम स्टे करेंगे और वैसे ही हम ट्राई करेंगे कि दिन कम करें ताकि हमको मनाली में या चंडीगढ़ में टाइम मिल सके कि हम अपने बाइक्स लोड कर पाए। फाइनली हम जा रहे हैं उमलिंगला। 30 किलोमीटर का रास्ता पार हो गया है। ठंडी इतनी है कि ये ग्लव्स के अंदर और 2 लेयर है इंदर, मतलब थर्मल लेयर के, फिर भी हाथ सुन पड़ रहे हैं। मतलब गाड़ी सेकेंड गियर पर चढ़ रही है, सिर्फ फर्स्ट गियर पर ही चढ़ रही है गाड़ी। दिस इज़ नॉट ईजी। ये देखिए हालत ख़राब हुई है सबकी। हैंड्स आर फ्रीजिंग। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड इज़ नॉट ईजी। 50 किलोमीटर्स हम पार कर चुके हैं और 40 किलोमीटर बचा है टू रीच द हाईएस्ट मोटरेबल रोड टॉप ऑफ द वर्ल्ड उमलिंगला पास। उंगलियां सुन पड़ रही है, हाथ थरथरा रहे हैं, गाड़ी का ब्रेक मारने नहीं आ रहा, इतने हाथ सुन पड़ रहे हैं। हम रुक रुक के साइलेंसर चालू करके हाथ गर्म कर रहे हैं। इतनी ठंडी है कि इंजन भी नहीं गर्म हो रहा है। इट्स नॉट गोना बी ईजी। We are higher than the Everest base camp. Woo! It's freezing. Vijay, how are you feeling? Feeling cold, awesome, bro. Cold, too cold. We have these two with us. Hi. Swapnil, kaisa badhta hai raho? Everest cha vara is to Everest base camp cha vara is. गान फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे इसकी माँ का खून दे खर्च। Thank you for motivation. Bro, finally at Umlingla. Finally, we are at the Umlingla Pass, world's highest motorable road constructed by the BRO Border Roads Organization. Achievement for us.
फॉर मी फॉर एवरीवन हियर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो दिस वॉज अवर सेलिब्रेशन डांस। हमारा पूरा सर्किट कम्प्लीट हुआ है, अभी जाना है हमें मनाली को वापस। तो जो जो स्पॉट्स थे उमलिंगला तक वो सारे के सारे कम्प्लीट हो गए विदाउट एनी कैजुअलिटी। सो हैप्पी फॉर दैट एंड प्राउड ऑफ दैट। अभी हम निकलेंगे हंडले हंडे से निकलेंगे टूवर्ड्स मनाली, जितना हो सके आज कवर करेंगे।